नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल में। मित्रों, अभी तक हमने नेटवर्क का चैप्टर पूरा पढ़ लिया है। नेटवर्क कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, हमने इसके पहले क्लास में नेटवर्क पढ़ा था कि नेटवर्क में आखिर होता क्या है, कितने पार्ट्स होते हैं, नेटवर्क हमारे कैसे यूज होते हैं। लेकिन दोस्तों, नेटवर्क का एक पार्ट हमारा बचा हुआ था जिसका नाम है नेटवर्क टोपोलॉजी। मतलब ये हुआ कि अभी तक मैंने नेटवर्क के सारे पार्ट्स तो पढ़ लिए कि नेटवर्क कैसे काम करता है, कहाँ कब काम करता है, तो उसकी जानकारी हमने ले ली है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी पे। तो मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से मित्रों आज आप लोगों को पूरा नेटवर्क का टोपोलॉजी पढ़ाऊंगा। पूरा एक एक टॉपिक वाइज हम लोग चलेंगे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, पूरा टोपोलॉजी का आज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों, चलिए हम लोग बात करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी पे। आखिर नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है? सबसे पहली बात ये समझिए आप लोग, जो नेटवर्क होता है वो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क जाल होता है जो कि हर जगह फैला हुआ है, हर जगह काम कर रहा है। दोस्तों, तो ये टोपोलॉजी का मतलब होता है दोस्तों कि फिजिकल नेटवर्क, यानी कि फिजिकल कनेक्शन जो होता है इंसान का, फिजिकल कनेक्शन जो होता है उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर का भी फिजिकल कनेक्शन होता है। जैसे हम लोग किसी भी कंप्यूटर को, नेटवर्क को अगर जोड़ते हैं तो या तो लैन का उपयोग करते हैं, या तो वायरलेस का प्रयोग करते हैं, ये तो ऑप्टिकल केबल का प्रयोग करते हैं। मतलब कोई ना कोई केबल या फिर कोई ना कोई हम लोग उपकरण का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, जिससे कि हमारा एक से दूसरा कंप्यूटर ऑटोमेटिक कनेक्ट हो सके। और हाँ, सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जो हमारा, जब हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो अगर वो कनेक्ट करते समय कोई भी आकार ले लेता, यानी कोई भी स्ट्रक्चर ले लेता है, तो उसे हम लोग नेटवर्क टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान समझिएगा फिर से हमारी बात को, यानी नेटवर्क का कनेक्शन करते हुए अगर हमारा सिस्टम, हमारा नेटवर्क कोई भी आकार ले लेता है, यानी कोई स्ट्रक्चर ले लेता है, तो उसको हम लोग टोपोलॉजी कहते हैं। दोस्तों ध्यान समझिएगा हमारी बात को, कोई भी पैटर्न अगर हमारा बन जाता है तो उसको हम लोग टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, अगर जैसे हमारे कुछ टाइप्स होते हैं टोपोलॉजी के, हम लोग जान लेते हैं इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा टाइप है बस बस टोपोलॉजी, ठीक है, बस टोपोलॉजी है। दूसरा है दोस्तों रिंग टोपोलॉजी, हम लोग बात कर लेते हैं। हमारा जो बस टोपोलॉजी होता है, यानी सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए ध्यान से आप, कि कोई भी टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी में अगर आप उस नेम को अच्छे से रीड कर लेते हैं, किसी भी टोपोलॉजी को आप अच्छे से नेम को सिर्फ रीड कर लेते हैं, देन आपके फेस पे एक स्ट्रक्चर आ जाएगा। वो स्ट्रक्चर कौन सा होगा? जिस टोपोलॉजी को आपने पढ़ा रहेगा उस टोपोलॉजी के नाम से आ जाएगा। जैसे हमारा बस टोपोलॉजी है, अब हमारे दिमाग में ये याद आना चाहिए कि बस के तरीके से हमारा टोपोलॉजी होगा, यानी बस जैसे हमारा होता है उस तरीके से हमारी टोपोलॉजी, यानी नेटवर्क का कनेक्शन होगा। उसी तरीके से हमारा रिंग है, अब रिंग गोल होता है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब रिंग हमारा गोल होता है तो यानी कि जो हमारी टोपोलॉजी क्रिएट हो रही है, जो हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा वो गोल में होगा, यानी कि जितने भी कनेक्शन नेटवर्क के होंगे वो किसमें होंगे? गोल में होंगे दोस्तों। तो ये हमारा हो गया रिंग टोपोलॉजी। तीसरा है स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी। अब स्टार टोपोलॉजी क्या है? स्टार टोपोलॉजी वो है स्टार के तरीके से, भाई सीधी सी बात है, अगर स्टार हमारे माइंड में आ गया, स्टार मेरे सामने आ गया, तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा ना दोस्तों कि जो स्टार होता है उस तरीके से हमारा नेटवर्क कनेक्शन अपडेट होता है, यानी जो हमारा स्ट्रक्चर आ रहा है वो स्टार के तरीके से। इसका मतलब कौन सा हुआ? ये स्टार टोपोलॉजी हुआ। एक होता है दोस्तों मेस। अब मेस का मतलब होता है, मेस जो होता है, जो मेस टोपोलॉजी होता है उसमें क्या होता है दोस्तों कि मेस टोपोलॉजी जो होता है उसमें होता है, जैसे हमारा मान लीजिए कि ये घर के तरीके से दोस्तों है, इस घर में अब क्या है, एक सिस्टम यहां जुड़ा, एक सिस्टम यहां जुड़ा, एक सिस्टम यहां और एक सिस्टम यहां, तो अब क्या होगा, इनसे इनका कनेक्शन, इनसे इनका कनेक्शन, इनसे इनका, मतलब हर एक कंप्यूटर से, हर लोगों से सबका कनेक्शन अगर होता है तो उसको हम लोग मेस टोपोलॉजी के नाम से जानते। इसके बाद दोस्तों ट्री टोपोलॉजी। अब ये ट्री टोपोलॉजी क्या होता है? सीधी सी बात है, अब भाई हमारे माइंड में अगर हमने ट्री को देख लिया, अब ट्री हमने सोच लिया, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि ट्री टोपोलॉजी आखिर होता क्या है, यानी पेड़ वाली टोपोलॉजी कौन सी है। तो पेड़ में क्या होता है, शाखाएं होती हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। अब क्या होता है, एक शाखाएं से कई पेड़, कई पत्तियां निकल जाती हैं, कई से कम निकलती हैं, तो उस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसको हम लोग ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। और दोस्तों आखिरी हमारा जो है वो है हाइब्रिड। कौन सा है? हाइब्रिड टोपोलॉजी।
हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये एक ऐसा टोपोलॉजी है दोस्तों जो सारे टोपोलॉजियों को मिश्रण करके अगर हमारा बनता है तो उसको हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे हम मान लीजिए कि हमारा क्या हुआ, किसी भी कॉलेज में किसी भी स्कूल में अगर हम लोग अपने नेटवर्क को फैला के रखे हुए हैं, किसी भी कॉलेज में किसी भी स्कूल में अगर हम लोग नेटवर्क फैला के रखे हुए, तो कहीं पर रिंग टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर रेडी होता है, तो कहीं पर स्टार होता है, तो कहीं पर बस होता है, तो कहीं पर दोस्तों ट्री होता है। तो इस तरीके से जब हमारा नेटवर्क यूज होता है तो उस नेटवर्क को हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से दोस्तों जानते हैं। तो ये है हमारा दोस्तों बस, जो आप लोग समझ गए बहुत अच्छे से, बस जो हमारा बस के तरीके से होता है, रिंग जो हमारा गोल होता है, स्टार जो हमारे स्टार के तरीके से होता है, मेस जो हमारा होता है एक दूसरे से सब कनेक्ट होते हैं सारे कंप्यूटर, और जो हमारा ट्री होता है दोस्तों वो पेड़ के तरीके से होता है, और जो हमारा लास्ट में हाइब्रिड होता है वो क्या होता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी वो टोपोलॉजी होती है जिसमें बस, स्टार, रिंग, मेस कोई भी स्ट्रक्चर दो चार दो तीन अगर हमारे टोपोलॉजी उसमें आ जाते हैं तो उसको हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये कॉलेज या किसी बड़े कैंपस में यूज होता है दोस्तों। तो ये हमारा है टोपोलॉजी का। अब हम लोग एक एक टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों, एक एक टॉपिक पर हम लोग पूरा विस्तारित रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम लोग चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, बात करते हैं बस टोपोलॉजी पे। तो मित्रों हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे जो उसका नाम है दोस्तों हमारा बस टोपोलॉजी। क्या है दोस्तों? बस टोपोलॉजी। इसका मतलब क्या होता है, मैंने अभी अभी अगले क्लास में आपको बताया था कि जो हमारा बस टोपोलॉजी होता है वो बस का स्ट्रक्चर लेता है। तो बस का स्ट्रक्चर कैसे लेता है मैं आपको एकदम स्ट्रिक्टली बताता हूँ। ये है हमारा एक लाइन जिससे क्या होता है कि हमारे सारे कनेक्शंस जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है एक कंप्यूटर, इधर है हमारा दूसरा कंप्यूटर, ठीक है, फिर तीसरा कंप्यूटर, और इसी तरीके से हमारा कौन सा चौथा कंप्यूटर। एक यहां पे एंडिंग पॉइंट होता है, एक यहां पे एंडिंग पॉइंट होता है दोस्तों, जो कि क्या करता है हमारे कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। यानी कि ये क्या करता है, न्यूड्स, यानी मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा कंप्यूटर जब इस तरीके से चलता है, यानी कि एक कनेक्शन इधर एक कनेक्शन उधर, यानी खाने के तरीके से, यानी बस का स्ट्रक्चर, जो भी टोपोलॉजी हमारा बस का स्ट्रक्चर लेता है उसे हम लोग बस टोपोलॉजी के नाम से दोस्तों जानते हैं। होता क्या है कि यहाँ पे एक दोस्तों हब लगा होता है, यहाँ पे हब लगा होता है, यहाँ पे हब लगा होता है, और इसी तरीके से इधर नहीं होता है, यहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक हब लगा होगा जिससे हमारा एक कंप्यूटर यहाँ पे भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, हमारा एक बस का स्ट्रक्चर ले रहा है, एकदम सीधा सा हमें दिख रहा है दोस्तों। एक ये एंडिंग पॉइंट हो जाती है और एक हमारा ये एंडिंग पॉइंट हो जाएगी, एक हमारा ये एंडिंग पॉइंट है, एक हमारा ये एंडिंग पॉइंट है। यानी कि जो स्ट्रक्चर ये ले रहा है एकदम आप लोगों को सामने दिख रहा है कि हमारा बस बस का स्ट्रक्चर ले रहा है। यानी कि हमारा जो बस चलती है मार्केट में, जो हमारे रोड पे बस चलती है, उसी का स्ट्रक्चर अगर ये ले रहा है तो इसको बस टोपोलॉजी के नाम से दोस्तों हम लोग जानते हैं। तो सबसे बड़ी बात है इसका हम लोग कुछ एडवांटेज जान लेते हैं। जैसे क्या होता है भाई, इसका कुछ अच्छाइयां होंगी कुछ बुराइयां होंगी, तो सबसे पहले हम लोग इसकी अच्छाइयां जान लेते हैं एक दो। इसकी अच्छाइयां क्या है, इजी टू अंडरस्टूड, यानी मतलब क्या हुआ, अब देखिए सीधी सी बात, मैंने आपको एक से दो मिनट में क्या किया, पूरा बस टोपोलॉजी पढ़ा दिया, यानी कि समझने में आसानी हुआ कि नहीं दोस्तों। सीधी सी बात है कि अगर हमें क्या होता है, इजी टू अंडरस्टूड हम लिख देते हैं आपको, Easy to understood मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये टोपोलॉजी है ये क्या होता है, समझने में बहुत ही आसान है, बस सिर्फ हमें एक बार देखना है और आसानी से क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी सामने आ जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। दूसरा दोस्तों, easy to install, इसको हम लोग आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये हुआ सिर्फ क्या करना, एक वायर लेके जाना है और क्या करता है, दो तीन चार हब बना करके और हमारे सारे कंप्यूटर को ऐड कर देना है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आसानी से इंस्टॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, यूज स्मॉल नेटवर्क, हम लोग स्मॉल नेटवर्क में भी इसे यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग स्मॉल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहीं पे भी किसी भी रूम में या फिर कहीं पे मार्केट में किसी साइबर कैफे में कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन में कहीं पे भी अगर हमें नेटवर्क इस नेटवर्क का यूज़ करना है तो हम लोग आसानी से इसको समझ भी लेंगे, आसानी से इंस्टॉल भी कर लेंगे। और हाँ, स्मॉल एरिया में हम लोग इसको इस नेटवर्क को यूज़ कर सकते हैं और लार्ज एरिया में भी इसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन हाँ, इसकी दोस्तों एक डिमेरिट होती है, इसका एक डिसएडवांटेज है, वो क्या हम आपको बता देते हैं। जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कि अगर हमारा कंप्यूटर, यानी कि इस लाइन में
जितने कंप्यूटर हमारे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, जितने भी कंप्यूटर हमारे आगे जुड़ते चले जाएंगे, क्या होगा कि वो स्लो डाउन होते चले जाएंगे। ध्यान समझे, जितने भी अमाउंट ऑफ कंप्यूटर हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे वो क्या होगा कि स्लो होता चला जाएगा। यानी मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर होगा, जैसे मान लिया 20वां कंप्यूटर 25वां कंप्यूटर जो हमारा है वो क्या होगा, इसकी अपेक्षा वो स्लो काम करेगा, ये स्लो काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो वायर है ये यहीं से गया हुआ है और सबसे पहले तो इसका नेटवर्क यहां पहुंचता है, उसके बाद यहां पहुंचा, तब तो यहां पहुंच रहा है। जब यहां पहुंच रहा है तो उसकी थोड़ी सी एनर्जी दोस्तों कम हो जाती है। जैसे हम क्या है, हमें मान लीजिए जाना है यहां से कहां, मुंबई जाना है, तो दोस्तों हम यहां से जाएंगे कानपुर, कानपुर से जाएंगे हम मुंबई, तो अगर हम कानपुर तक जाते हैं तो हमारी थोड़ी सी एनर्जी कम होती है दोस्तों। उसी तरीके से क्या होता है, जब ये यहां से यहां जाता है तो ये इसको पूरा एनर्जी देगा, बाकी यहां थोड़ी सी कम होगी, यहां जाएगा तो स्लो होगा। इसी तरीके से हमारा जो बस टोपोलॉजी होता है इसमें क्या होता है दोस्तों कि स्लो डाउन व्हेन अमाउंट इज, जब ये ज्यादा अमाउंट का होता है, जब इंक्रीज होता है अमाउंट, तो ये क्या होता है, कंप्यूटर स्लो काम करता है दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। आप लोगों को हमें आशा है कि बहुत अच्छे समझ में आएगा, बाकी आप लोगों को अगर नहीं समझ आता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि हमें इसमें प्रॉब्लम है, देन आपकी हम पूरी प्रॉब्लम दोस्तों सॉल्व करेंगे। और तो ये हमारा है बस टोपोलॉजी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले टॉपिक पे दोस्तों, बात करते हैं अगले टॉपिक पे। दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है रिंग टोपोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों? रिंग टोपोलॉजी। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रिंग टोपोलॉजी हम लोग बात करेंगे अब रिंग टोपोलॉजी पे। ये हमारा क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी का दूसरा टाइप्स है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग सीधे से देखते हैं रिंग, यानी रिंग मतलब हमारे तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि गोला आकार। जब हमारे माइंड में आ जाता है कि ये गोला आकार, तो दिन मतलब क्या हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो किस आकार में होगा, किसी गोले आकार में होगा कि हम लोग आसानी से जो है क्या कर सके, उसको बना सके। तो हम लोग दोस्तों एक छोटा सा हम गोला बना देते हैं आप लोगों को, हम इतना अच्छा तो गोला नहीं बना सकते लेकिन हाँ कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा बनाए। हमारा जो सर्किल है वो थोड़ा सा गड़बड़ होगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो दोस्तों क्या होगा, ये है हमारा रिंग। अब हम क्या करते हैं, इसी में अपने नेटवर्क को हमें बिछाना है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे कि यहां से थोड़ा सा मिटाते हैं और यहां क्या करते हैं, एक कंप्यूटर बनाते हैं। यहां से थोड़ा मिटा देते हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, एक कंप्यूटर बना देते हैं। इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, मिटा करके और हम लोग एक एक कंप्यूटर को क्या करेंगे, अटैच कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा क्या, रिंग टोपोलॉजी है। ध्यान समझिएगा, बाकी आप लोग अगर कोई समस्या होती है तो आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम है, तो हम आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो ही बनाएंगे। बाकी अगर कोई समस्या होती है तो इसमें आप लोगों को लिंक भी दिया हुआ है, हमारे वेबसाइट का दिया हुआ है, प्लस हमारा कॉन्टेक्ट है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो इन सब चीजों से आप लोग अटैच हो सकते हैं दोस्तों। तो ये क्या है, हमारा रिंग टोपोलॉजी है। हाँ, लेकिन इसका एक ही वो होता है कि ये चैनल वाइज चलता है, यानी कि एक तरफ से ही चलता है दोस्तों, ये दूसरे तरफ से नहीं चल सकता। जैसे देखिए ये हमारा इसी तरीके से चलेगा। अब देखिए ये हमारा जो हमारा कंप्यूटर, जो हमारा ये रिंग टोपोलॉजी है, इसमें क्या होता है, ये क्या करता है कि एक तरफ से चलता है और सेम एक्सेस करता है। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर है वो जब रिंग का स्ट्रक्चर लेता है, यानी जो नेटवर्क होता है वो जो हमारा रिंग का स्ट्रक्चर लेता है, तो वो क्या करता है, इस तरीके से दोस्तों चलता है। तो इसको हम लोग रिंग टोपोलॉजी इसमें लिख भी देते हैं, रिंग टोपोलॉजी। ठीक है, हम लोग रिंग टोपोलॉजी। तो ये हमारा क्या हुआ, जब हमारा कंप्यूटर है वो क्या करता है, इस जब रिंग का आकार लेता है तो हम लोग रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। हाँ, इसका कुछ एडवांटेज होता है दोस्तों। हम लोग एडवांटेज पे अगर इसके बात करें तो इसका जो होता है वो सेम एक्सिस होता है। क्या होता है, सेम एक्सिस होता है। सेम एक्सिस का मतलब आप लोगों को बता देते हैं, मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये कंप्यूटर है, अब ये क्या करेगा, अगर इसमें डेटा जा रहा है, इसमें 1.5 एमबीपीएस के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो सब में 1.5 ही जाएगा, क्योंकि ये सारे डेटा एक दूसरे से कनेक्ट है दोस्तों। ठीक है, ये सारे डेटा क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है और सेम एक्सेस करता है, सेम हम लोगों का नेटवर्क ट्रांसफर करता है। और हाँ, अगर हमें इसके पास ये डेटा, मान लीजिए ये भेज रहे हैं कहां, इसके पास, तो ये डायरेक्टली इसके पास नहीं होगा ट्रांसफर दोस्तों। अगर ये ट्रांसफर होगा तो सबसे पहले कहां जाएगा, एक भेजेंगे दो के पास, दो भेजेंगे तीन के पास, देन पहुंचेगा हमारा चार के पास। इसी तरीके से अगर हमें आगे भी भेजना है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे,
मान लीजिए हमें 1 से 9 के पास जाना है, तो ये क्या होगा, डेटा हमारा क्या होगा, पहले 1 पे 2 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, फिर 7 पे, फिर 8 पे, फिर हमारा दोस्तों लास्ट में पहुंचेगा 9 पे। यही होता है हमारा रिंग टोपोलॉजी। लेकिन इसका दोस्तों एक डिसएडवांटेज होता है, वो उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों कि अगर हमारा कंप्यूटर, इसमें से कोई भी एक कंप्यूटर अगर फेल हो जाता है, कोई भी एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, देन हमारे सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। सबसे बड़ा, अब ये बताइए, मान लीजिए कि ये फेल हुए, तो इनकी क्या गलती है इसमें, इसमें तो कोई गलती नहीं है इनकी ना, ये फेल हुए लेकिन क्या हुआ, ये आगे डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। जब ये डेटा को ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे तो ये बेचारे कहां से चलेंगे, इनसे कोई मतलब नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा एक ऐसा टोपोलॉजी है, ऐसा टोपोलॉजी है दोस्तों कि अगर एक ठो कंप्यूटर का कनेक्शन कटा तो यानी मतलब क्या हुआ कि पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी कि पूरी टोपोलॉजी, पूरा नेटवर्क कनेक्शन हमारा वहीं पे डिस्टर्ब हो जाएगा दोस्तों। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यही होती है, बल्कि इसका सबसे अच्छा एडवांटेज है जो सेम एक्सेस करता है, यानी कि सब तक डेटा को सेम पहुंचाता है, बारी बारी से पहुंचाता है, लेकिन सब तक डेटा को सेम पहुंचाता है दोस्तों। तो ये है हमारा रिंग टोपोलॉजी। बाकी हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है दोस्तों स्टार टोपोलॉजी। चले चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे दोस्तों, हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। दोस्तों क्या नाम है, जिसका नाम है स्टार टोपोलॉजी। हम लोग बात करते हैं किस टोपोलॉजी पे, स्टार टोपोलॉजी पे। आखिर स्टार टोपोलॉजी होता क्या है और स्टार टोपोलॉजी यूज कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, दोस्तों हम लोग बात करते हैं इसके स्टार टोपोलॉजी पे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हमारा स्टार, यानी कि स्टार अगर हमारे माइंड में आ गया तो हम लोग सीधे अपना एज्यूम कर लेंगे दोस्तों कि क्या स्टार मतलब क्या होता है, यानी कि 4 होंगे, साइड साइड में होंगे, तो नेटवर्क कनेक्शन भी हमारा इसी तरीके से बन जाएगा, यानी हमारे स्ट्रक्चर हमारे सामने आ चुका है। तो हम एक स्ट्रक्चर छोटा सा बना देते हैं, बाकी आप लोग ध्यान समझिएगा। ये है एक हमारा क्या हब, जिसको हम लोग हब के नाम से जानते हैं। अब ये क्या करेंगे कि ये डेटा को ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए कैसे कैसे करते हैं, इधर ट्रांसफर किए, इधर ट्रांसफर किए, एक कंप्यूटर हमारा यहाँ लग गया, दूसरा यहाँ लग गया, और तीसरा यहाँ लग गया, चौथा दोस्तों यहाँ लग गया। अब ये क्या करेंगे, एक ठो तो इधर भी लगाएंगे, एक ठो यहाँ भी लगाएंगे, एक ठो यहाँ भी लगाएंगे, एक ठो यहाँ भी लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये स्टार है। अब ये आप हमसे क्वेश्चन मत करिएगा कि ये स्टार की तरह तो दिख नहीं रहा है, लेकिन स्टार क्यों माना जाता है, स्टार इसलिए माना जाता है क्योंकि ये स्टार में पहले ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका होता है, तब ये क्या करता है, अपने नेटवर्क को फैलाता है दोस्तों, ठीक है। ये क्या करता है, स्टार मतलब ये हुआ कि ये, लेकिन हाँ इसकी एक अच्छाई होती है कि ये जो इसका सबका मालिक एक होता है हब, यानी मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी भी कंप्यूटर में क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो वो कौन मेंटेन करता है, हब मेंटेन करता है, यानी कि एक दूसरे से इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है दोस्तों। बात ध्यान समझिएगा हमारा, जो स्टार टोपोलॉजी होता है इसमें क्या होता है कि ये जो है इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, और हाँ इसके जितने भी कंप्यूटर यूज होते हैं दोस्तों वो अलग अलग तरीके से यूज होते हैं, बाकी सबका एक मालिक होता है, हब होता है, वो क्या करता है सारे कंप्यूटर को हैंडल करता है दोस्तों। तो इसमें हमारे 8 कंप्यूटर बने हुए हैं, अगर 8ों को ये यूज करे, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, देखिए हमने सही कहा, 8 कंप्यूटर हमारे अटैच्ड हैं इसमें। 8ों कंप्यूटर को जो हैंडल करता है उसका नाम है हब। ये हमारा आता है स्टार टोपोलॉजी के अंदर में दोस्तों, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है, इसका एडवांटेज जो होता है, जो इसका एडवांटेज है, सबसे पहला एडवांटेज क्या है, एक ही एडवांटेज सबसे अच्छा है इसमें कि अगर कोई भी कंप्यूटर फेल हो जाता है, यानी रिंग का अपोजिट, ध्यान समझिएगा, जो हमारा डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी में आया था उसी का अपोजिट हम लोग कर देंगे स्टार टोपोलॉजी में। यानी मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे कंप्यूटर में, हमारे नेटवर्क में, हमारे नेटवर्क टोपोलॉजी में अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है स्टार में, यानी कि एक कंप्यूटर फेल हो गया, देन हमारा क्या होगा, एक भी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा, यानी कि जो फेल होगा सिर्फ वही डिस्टर्ब होगा, क्योंकि सीधा सा हमें दिख रहा है दोस्तों कि जो हमारा ये कंप्यूटर है वो अटैच्ड हब से है,
इस और इन दूसरे से इसका कोई रिलेशन है ही नहीं, और जब रिलेशन नहीं है तो हम डिस्टर्ब कैसे होंगे। सीधी सी बात है कि अगर आपसे हमारा कोई रिलेशन ना हो तो हम डिस्टर्ब क्यों होंगे, लेकिन आपसे हमारा रिलेशन है क्योंकि आपने वीडियो देख रहा है, और हमारा ये दायित्व है कि आपको हम सेटिस्फाई कर सके, और सेटिस्फाई अगर आप नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, एडवांटेज है कि अगर एक भी कंप्यूटर इसमें फेल होता है तो दूसरा कंप्यूटर हमारा क्या होता है, डिस्टर्ब नहीं होता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो क्या है आपको बताते हैं। इसका जो डिसएडवांटेज है वो है, अगर मान लीजिए हमारा कंप्यूटर हब तो एक ही होता है, अगर एक हब डिस्टर्ब हो गया, मान लीजिए एक हब यानी मालिक डिस्टर्ब, तो अब क्या होगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सारे के सारे कंप्यूटर ऑफ। सीधी सी बात है कि हमें क्या करना है कि जो हब होता है उसको सिक्योर रखना होता है, तो सिक्योर हब, अगर हमारा हब डिस्टर्ब हुआ तो मतलब सारे कंप्यूटर हमारे बंद दोस्तों, सारे के सारे कंप्यूटर वहीं के वहीं बंद, उसका फिर कोई यूज नहीं है जब तक कि हमारा हब मेंटेन नहीं हो जाता है। तो ये है हमारा रिंग टोपोलॉजी, जिसमें हम सॉरी स्टार टोपोलॉजी है, जिसमें क्या होता है स्टार के तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है, एक हब होता है जो सबको देखता है, यानी सबको उसको नेटवर्क को सारे डेटा को ट्रांसफर और लेता देता है। बाकी इसका एडवांटेज यही है कि अगर कोई भी एक कंप्यूटर इसमें डिस्टर्ब होता है तो दूसरा उससे डिस्टर्ब नहीं हो सकता, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक मालिक यानी हब खराब हुआ यानी हब डिस्टर्ब हुआ तो क्या हुआ, सीधी सी बात है सारे कंप्यूटर हमारे बंद के बंद, उसके बाद जब तक हमारा हब मेंटेन नहीं होगा तब तक हम कोई भी कंप्यूटर चला नहीं सकते दोस्तों। तो ये है हमारा स्टार टोपोलॉजी। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है मेश टोपोलॉजी। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है मेश टोपोलॉजी। क्या नाम है दोस्तों, मेश टोपोलॉजी, इसको ध्यान से आप लोग समझ लीजिएगा ठीक है। इसका क्या नाम है, मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, मेश टोपोलॉजी का मतलब होता है, सीधी सी बात है कि मेश मतलब होता है सबको मिला जुला के रखना, यानी सोशल। तो दोस्तों सीधा सा फंडा हमारे सामने आ रहा है कि जो मेश टोपोलॉजी होता है वो क्या होता है, यानी कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच्ड होने चाहिए। जैसे हम लोग दोस्तों बता दें आपको कि मान लीजिए कि हमारा एक रूम है, एक रूम में हमने क्या किया है, चार पांच कंप्यूटर को रख दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, सारे वायर्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, यानी पहला से चौथा, पहला से दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको कनेक्ट करेंगे। अगर सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं तो उसको हम लोग मेश टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसका हम छोटा सा एक स्ट्रक्चर बना देते हैं दोस्तों, देखिए कैसे बनाते हैं। ये है हमारा मान लीजिए एक सिस्टम, ठीक है, ये भी हमारा है एक सिस्टम, तीन हो गए, और यहां पे एक हो गया, और यहां पे एक हो गया, हमारे क्या हो गए, पांच सिस्टम हमने बना दिया। अब क्या होगा कि जो हमारे ये सिस्टम बने हुए हैं ये क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है, लेकिन अभी भी ये मेश टोपोलॉजी का काम नहीं कर रहा है दोस्तों, ये हमारा रिंग टोपोलॉजी के तरीके से काम कर रहा है। मेश टोपोलॉजी कैसे काम करता है मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से बताता हूं। ये देखिए हमारा ये हुआ, हमने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, अब इनको मैंने यहां कनेक्ट किया, यहां कनेक्ट कर दिया, बाकी बचे ये, तो इनको यहां कनेक्ट किया, और दोस्तों क्या कर रहे हैं हम, बचे ये हमारे, तो इनको मैंने यहां कनेक्ट कर दिया, यहां कनेक्ट नहीं होंगे ये क्या हो गया। अब देखिए जो हमारा ये बच रहा है, यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो हमारा ये कंप्यूटर है ये सारे वायर से कनेक्ट ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों, ठीक है। ये क्या है, यानी कि कोई ऐसा कंप्यूटर इसमें नहीं है जो क्या हो रहा है कि किसी ऐसे कंप्यूटर से कनेक्ट ना हो। देखिए ये देखने में तो स्टार के तरीके से लग रहा है, ध्यान समझिएगा हमारी बात को, ठीक है, ये स्टार के तरीके से हमारा लग रहा है, लेकिन ये स्टार टोपोलॉजी में नहीं आता है, ये आता है किसमें, मेश टोपोलॉजी में, क्योंकि इसमें सारे के सारे कंप्यूटर से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी मतलब ये सोशल हो गया, यानी जैसे गांव के लोग होते हैं ना कि एक दूसरे सबसे कनेक्ट होते हैं, किसी से वो झगड़ा नहीं करते हैं, किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, तो ये क्या होता है, सारे कंप्यूटर क्या होते हैं, सबसे कनेक्ट होते हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम अगर होती है तो वो आसानी से क्या कर सकता है, एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर कर सकता है,
एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर आसानी से कर सकता है और अपने काम को आगे बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। तो ये है हमारा मेश टोपोलॉजी है दोस्तों, ठीक है। अगर हम लोग इसका एडवांटेज देखें, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या हो जाएगा कि ऑल कंप्यूटर कनेक्ट। देखिए हम अपनी लैंग्वेज में आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं। ये है हमारा ऑल कंप्यूटर कनेक्ट, यानी एक दूसरे से सारा कंप्यूटर हमारा कनेक्ट है। कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है कि जो एक दूसरे से कनेक्ट ना हो। यानी मतलब ये हुआ कि जो हमारा इसका जो अगला एडवांटेज है वो क्या होता है कि इजी टू ट्रांसफर डेटा, यानी मतलब क्या हुआ कि अगर हमें इनसे और इनसे डेटा को ट्रांसफर करना है तो हम लोग आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ऑल कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। यानी हमारा जो जुड़ा होता है वो आसानी से क्या होता है, डेटा को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी इंडिपेंडेंटली हम लोग डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें ना तो किसी हब से मतलब है, ना तो किसी रिंग से मतलब है, ना तो दोस्तों किसी से कोई डिस्टर्बेंस है। हमें आपसे मतलब है, आपको हमसे मतलब, डायरेक्टली हमारा आपका काम हो गया, तो हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। यही होता है हमारा समाज, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग एक डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं, क्या होता है इसका एक डिसएडवांटेज होता है वो दोस्तों होता है कि सबसे बड़ी बात है कि मान लीजिए हमारे सिर्फ 5 कंप्यूटर लगे हुए हैं, तो देखिए हमने कितने वायर लगाए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि मतलब ये हुआ कि सिर्फ 5 कंप्यूटर को जोड़ने के लिए हमें 10 वायर लगाने पड़ गए। तो मतलब ये हुआ कि जो इसका केबल कॉस्ट है, यानी असेंबलिंग केबल कॉस्ट, यानी केबलिंग कॉस्ट जो है इसका, वो जो है ज्यादा होगा, मोर केबल कॉस्ट। कैसे? क्योंकि अगर हमें 5 कंप्यूटर जोड़ने के लिए अगर हम 10 वायर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो वो हमारा क्या हो गया कि केबल कॉस्ट इसकी ज्यादा होगी। तो यही है हमारा मेश टोपोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि सारे कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, और हां सबके सब इजी टू ट्रांसफरेबल डेटा होते हैं। यानी कि हमें आपको ट्रांसफर करना, आपको हमको ट्रांसफर करना, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। आपका डेटा मेरे पास आया, मेरा डेटा आपके पास है, तो आसानी से हम लोग इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हमारा है एडवांटेज। और इसका जो डिसएडवांटेज है दोस्तों वो है कि केबलिंग ज्यादा होनी चाहिए। मतलब क्या होता है कि अगर हमारा एक कंप्यूटर 2 कंप्यूटर अटैच्ड होता है, तो अगर हमारे 5 कंप्यूटर में सिर्फ 10 वायर यूज होने, तो हम जहां पे 100 और 200 कंप्यूटर यूज करेंगे उसमें कितने वायर हो सकते हैं दोस्तों, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हैं। तो इसके लिए जो केबलिंग कॉस्ट होती है वो एक्स्ट्रा होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये है हमारा मेश टोपोलॉजी। बाकी हाँ, हम लोग चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है ट्री टोपोलॉजी दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अपने अगले टॉपिक, बात करते हैं। तो दोस्तों अब लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है ट्री टोपोलॉजी। क्या है? ट्री टोपोलॉजी। अब इसका मतलब हम लोगों के सामने सीधे से आ रहा होगा हमारे दिमाग में कि ट्री मतलब होता है पेड़, तो हमारा पेड़ जैसा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है दोस्तों। बात को ध्यान समझिएगा हमारे। देखिए होता क्या है कि जो हमारा ट्री टोपोलॉजी होता है वो पेड़ की शाखाओं के तरीके से काम करता है। मतलब ये हुआ कि हमारा मान लीजिए कंप्यूटर है, अब एक कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा अगर हमें अटैच करना है, तो हम लोग बीच में एक हब का प्रयोग करेंगे, यानी कि एक ब्रांच का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है, एक इलाहाबाद में है, एक आजमगढ़ में है, एक जौनपुर में है। हम क्या करेंगे कि अगर हमारा इलाहाबाद हेड ऑफिस हो गया, तो हम जौनपुर को क्या करेंगे, जो हमारा आजमगढ़ मंडल होगा उसको हम हब बना देंगे, ताकि हमारा बलिया, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, ये सारी चीजें क्या हो, उससे अटैच हो जाए। तो दोस्तों ये है हमारा क्या, ये है हमारा ट्री टोपोलॉजी, जिसमें होता है कि हम लोग एक दूसरे से अटैच करते हैं, और ज्यादा अटैचमेंट जब होता है तो हम लोग एक हब का प्रयोग करते हैं, और हब बना के चाहे जितना कंप्यूटर हम लोग आसानी से अटैच कर देते हैं। तो हम इसका एक स्ट्रक्चर छोटा सा बनाते हैं। आप लोग देखिए दोस्तों क्या होता है कि हमारा जो ट्री टोपोलॉजी होता है वो कैसे क्रिएट होता है। तो हम लोग सबसे पहले एक हब यहां पर बना देते हैं, एक हब यहां बनाते हैं, जिसका एक कंप्यूटर यहां कनेक्ट होगा और दूसरा कंप्यूटर यहां कनेक्ट होगा, ठीक है। ये कंप्यूटर हब से कनेक्ट हो गया आके, ठीक है, इसको इधर मान लेते हैं कनेक्ट हो गया। अब ये क्या करता है दोस्तों कि हमारा जो हब होता है, ये एक एक हब यहां बना देगा, एक हब यहां बना देगा, और दूसरा हब क्या करेगा, यहां बना देगा। यानी कि तीन हब इसने बना दिया, क्या कर दिया, तीन हब, यानी कि तीन ब्रांच इसने बना दिया,
अब ये लोग क्या करेंगे कि भाई इनके पास जितने भी ब्रांचेस होंगे, जितने भी होंगे, वो क्या करेंगे, कंप्यूटर को अटैच करेंगे, एक एक कंप्यूटर को अटैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कंप्यूटर अटैच हो गया, हर एक हब से तीन तीन कंप्यूटर हमारे अटैच हो गए हैं। तो ये देखिए एकदम ट्री के आकार में बना हुआ है दोस्तों, ध्यान समझेंगे आप लोग तो बात समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर हमें इनका डेटा मान लीजिए ट्रांसफर करना कहां, यहां पे इनका डेटा कहां ट्रांसफर करना है, यहां पे, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस हब को डेटा ट्रांसफर करेंगे, इनको देंगे डेटा। ठीक है, अब ये हब क्या करेंगे, इस हब को देंगे डेटा, और ये हब क्या करेंगे, तब यहां तक पहुंचाएंगे दोस्तों। ये हमारा कौन सा है, ट्री टोपोलॉजी। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, जो हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क है, जो हमारा नेटवर्क का टोपोलॉजी है, वो किस तरीके से ट्री टोपोलॉजी बनती, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो हमारा कंप्यूटर होता है उसमें एक हब होता है, मेन हब, जिससे सारे कंप्यूटर हमारे अटैच होते हैं। हमारे अब माने ज्यादा कंप्यूटर अटैच करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हब लगा करके जितने भी कंप्यूटर को चाहे हम लोग आसानी से ऐड कर सकते हैं दोस्तों। बात ध्यान समझिएगा, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती तो आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये क्या होगा कि हम लोग इसमें जितना भी चाहेंगे उतना कंप्यूटर आसानी से अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी केबल कॉस्ट ज्यादा होती है दोस्तों। कैसे, क्योंकि भाई जितना कंप्यूटर हम लोग अटैच करेंगे उतना केबलिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर हम लोग एक हब का प्रयोग करते हैं तो यहां से केबल जाएगा, यहां यहां से जाएगा, यहां इसमें डायरेक्टली कोई है ही नहीं है, क्योंकि हमें ब्रांचेस देना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हब का प्रयोग करके कंप्यूटर देता है। तो इसका दोस्तों हम लोग अगर एडवांटेज देखें, इसका एडवांटेज अगर हम लोग देखें दोस्तों, तो सबसे पहला एडवांटेज होगा मोर एंड मोर कंप्यूटर हम लोग अटैच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मोर एंड मोर कंप्यूटर हम लोग क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा जितना कंप्यूटर हम लोग चाहेंगे उतना कंप्यूटर हम लोग आसानी से अटैच कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे कि हमारा क्या हुआ, मान लीजिए हमने इस हब को दिया, अब ये हब क्या किए, इस कंप्यूटर को ना दे करके अपना लिंक, ये इन्होंने क्या किया, एक हब और दे दिया। और जब भाई एक हब इनको दे दिया, अब ये जितना चाहे उतना कंप्यूटर आसानी से इसमें क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। अटैच कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, सीधी सी बात है, हम लोग जितना चाहेंगे अपना आसानी से उतने कंप्यूटर को अटैच कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। लेकिन इसका दोस्तों एक डिसएडवांटेज भी है, वो क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे बड़ा इसका डिसएडवांटेज ये है कि केबलिंग कॉस्ट ज्यादा लगेगी। क्या होगा, केबलिंग कॉस्ट लगेगी। मतलब ये हुआ कि जो हमारा कंप्यूटर है, जो हमारा ये ट्री टोपोलॉजी है, इसमें क्या होता है कि हम लोग ब्रांचेस की तरह की अपना हब बना करके सारे कंप्यूटर को हम लोग अटैच कर लेते हैं। जब हमारा कंप्यूटर अटैच हो जाता है तो जो उसका आकार बनता है वो ट्री के तरीके से बनता है, उसको हम लोग ट्री टोपोलॉजी के नाम से दोस्तों जानते हैं। और हाँ, जितने भी कंप्यूटर को हम लोग अटैच करेंगे दोस्तों उतना केबलिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो ये है हमारा दोस्तों ट्री टोपोलॉजी, जो कि आप लोगों के सामने पूरा दिख रहा है। बाकी आप लोगों को कोई समस्या है तो हम लोग अगले टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों। चलिए, हमारा अगला टॉपिक एक बचता है जिसका नाम है हाइब्रिड टोपोलॉजी, तो हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे जिसका नाम है दोस्तों हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब हाइब्रिड अगर आ गया नाम तो दोस्तों आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि हाइब्रिड मतलब क्या होता है, कि जब हमारा कोई भी नेटवर्क यानी भी कोई भी कंप्यूटर जब लॉन्ग डिस्टेंस पे काम करता है, यानी कि कई जगह पे काम करता है, तो हम लोग उसको बड़ा काम करता है, तो उसको हम लोग हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जानते हैं, हाइब्रिड नेटवर्क के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो हाइब्रिड नेटवर्क मतलब होता है कि हमारा, जैसे मान लीजिए किसी कैंपस में, किसी भी कॉलेज में, किसी भी कैंपस में, कहीं पे भी अगर कोई नेटवर्क यूज होता है और वो थोड़ा सा दूर जाकर दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, इधर जाकर दूसरा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, तो वो हमारा हाइब्रिड नेटवर्क यानी हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से हम लोग उसको जानते हैं दोस्तों। कैसे, जैसे हम लोग बताते हैं कि मान लीजिए हमारा एक कैंपस है, एक स्कूल है, एक कैंपस है, इसमें क्या होता है कि एक कैंपस में अगर कोई भी एक रूम में हम लोग नेटवर्क दे देते हैं तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, या तो रिंग टोपोलॉजी दे देंगे, या तो हम लोग स्टार दे देंगे, या तो मेश दे देंगे। लेकिन थोड़ी दूर एक केबल को लेके जा करके हमने क्या किया, वहां पर रिंग दे दिया, और थोड़ी दूर लेके जाके हमने बस दे दिया, और थोड़ा सा लेके जाके हमने ट्री टोपोलॉजी दे दिया। तो जितने भी टोपोलॉजी यूज होते हैं, हाइब्रिड नेटवर्क यूज होते हैं, उसको हम लोग
हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाकर समझाता हूँ या कि ये कंप्यूटर कैसे यूज होते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी में। तो सबसे पहले एक लाइन में खींचता हूँ, एक लाइन जो कि आप लोगों का बस टोपोलॉजी का याद आ रहा होगा कि मैंने जो बस टोपोलॉजी पढ़ाई थी। हम क्या करते हैं, एक नंबर यहाँ कंप्यूटर यूज कर देते हैं, एक यहाँ यूज कर देते हैं, ठीक है, एक यहाँ यूज कर देते हैं, फिर हमने क्या किया यहाँ दे दिया एक कंप्यूटर को। अब क्या है कि हमारा, देखिए हमने यहाँ दिया एक, यहाँ दिया दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, और यहाँ पे दे दिया हमने क्या पांच, पांच कंप्यूटर को हमने दे दिया। यहाँ पे भी हमारा इंड हो, यहाँ पे भी हमारा इंड है, तो ये कौन सा होगा, सीधी सी बात है ये बस टोपोलॉजी होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, यहीं से एक हब दे देंगे, क्या दे देंगे, हब दे देंगे। जब हब, हम एक हब दे देंगे तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको मिटा करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जब एक हम हब दे देंगे, यहाँ पे हम बना देते हैं दो नंबर को, तो ये क्या करेगा, एक सिस्टम को यहां जोड़ेगा, एक सिस्टम को यहां जोड़ देगा, एक सिस्टम को यहां जोड़ देगा, और लास्ट सिस्टम जो हमारा बचता है यहां जोड़ देगा। तो अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये हमारी कौन सी टोपोलॉजी आती है जिसको हम लोग स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। कौन सी टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं, स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए क्या होता है कि हम लोग बता, थोड़ा सा इसको भी मिटा करके हम यहां पांच नंबर को देते हैं, यहां से एक हब हम और दे देते हैं, ठीक है, एक हब हम और दे देते हैं, जिसमें हम लोग क्या अटैच करते हैं, कोई भी एक कंप्यूटर को हम लोग आसानी से, मान लीजिए यहां से गया एक, हमने यहां अटैच कर दिया, यहां गया एक, मैंने यहां अटैच किया एक, यहां अटैच किया एक, यहां अटैच किया, और लाके हमने जोड़ दिया। अब जब हमारा कंप्यूटर ऐसे अटैच हो गया तो आप समझ सकते हैं कि ये कौन सी टोपोलॉजी यूज करते हैं, जो हम लोग इसको, इस टोपोलॉजी के कौन सी टोपोलॉजी बोलते हैं, रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी, यहीं से हम लोग एक हब और दे करके हम लोग क्या करते हैं, ट्री का प्रयोग कर लेते हैं। तो जब हम लोग ट्री का प्रयोग कर लेंगे तो यानी एक टोपोलॉजी से क्या होता है कि कई सारे टोपोलॉजी हमारे क्रिएट हो रहे हैं। तो जब एक टोपोलॉजी से हमारे कई सारे टोपोलॉजी क्रिएट होते हैं तो उसको हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। दोस्तों ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूं आपको कि हमारा, देखिए यहां पे ये कौन सी टोपोलॉजी शो कर रहा है, बस टोपोलॉजी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं अगर आप लोगों को नहीं समझा तो आप लोग पिछला वीडियो मन से नहीं देखे हैं, तो इसलिए पिछला वीडियो आप लोग फिर से मन से देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा क्या, ये हमारा बस टोपोलॉजी शो कर रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो स्टार टोपोलॉजी कर रहा है, और यहाँ पे देखेंगे तो ट्री, और इसको ध्यान से देखेंगे तो रिंग टोपोलॉजी यूज हो रहा है। यानी कि मतलब एक ही टोपोलॉजी में हम लोग कई टोपोलॉजी का अगर यूज करते हैं, कई स्ट्रक्चर हम लोग दिखा देते हैं अगर, तो उसको हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से दोस्तों जानते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लास्ट है जिसको हम लोग हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसका मेरिट डिमेरिट कुछ नहीं, ये हाइब्रिड यानी कि बड़े लेवल पे काम करता है दोस्तों, और हाँ ये अलग अलग स्ट्रक्चर शो करता है, यानी कि बहुत सारे टोपोलॉजी को यूज करने के बाद जो टोपोलॉजी क्रिएट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी दोस्तों, ठीक है। तो ये है हमारा हाइब्रिड टोपोलॉजी जिसकी हमने चर्चा किया। बाकी हाँ अब ये पूरा हमारा टोपोलॉजी का जो हमारा सिलेबस है, जो हमारा ये चैप्टर है, वो खत्म हो चुका है दोस्तों। बाकी आप लोगों को अगर कोई समस्या लगती है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और हाँ इसकी मैंने छोटी छोटी क्लिप भी दोस्तों बनाई है जिसको आप लोग आसानी से एक एक टोपोलॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं। और हाँ अगर पूरा जानकारी लेना हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप लोगों को कोई भी समस्या टोपोलॉजी में ना हो, अगर होती है तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे दोस्तों। तो हमारा ये नेटवर्क टोपोलॉजी रहा, इस क्लास के लिए यहीं पे धन्यवाद।